हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सूजी के मालपुए की रेसिपी। ये मालपुआ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये हेल्दी होता है क्योंकि ये सूजी से बना होता है, और आप इसे एक बार बनाओगे तो बार बार इसे ट्राई ज़रूर करोगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं हम। अब मालपुड़े का बैटर बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर हम सूजी डाल देंगे। ये मेरे पास नॉर्मल सूजी है, थोड़ी मोटे वाली थी। मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर थोड़ा पीस लिया है ताकि जो सूजी है वो थोड़ी पतली हो जाए, और जब हम मोटी सूजी लेंगे तो उसमें थोड़े मालपुड़े थोड़े मोटे बनते हैं, तो हम बारीक सूजी यूज़ करेंगे मालपुड़ा बनाने में। सूजी के अंदर हम 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है, इसको हम 1/4 टीस्पून यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ को क्रश कर लिया है, जो नॉर्मल सौंफ होती है उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, साबुत नहीं डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दूध लिया है, ये जो मेरे पास दूध है वो मलाई वाला है, काफ़ी गाढ़ा दूध है मेरे पास। ये देखिए मलाई है इसके अंदर, तो बिद मलाई हम इसको यूज़ करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका बैटर बना लेंगे। बैटर जो बनाना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, वो पोरिंग फॉर्म में होना चाहिए। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो पोरिंग होनी चाहिए। सूजी वैसे काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेती है दूध को, तो यहाँ पे तकरीबन 200 ml के करीब दूध हमारा लग जाएगा। ये लीजिए, 200 ml के करीब दूध था मेरे पास, मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने मीठे का यूज़ नहीं किया है। अगर आप यहाँ पे मीठा डालना चाहते हैं इसके अंदर तो 2 से 3 चम्मच चीनी इसके अंदर डाल दें। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क का यूज़ करूँगी, मेरे पास कंडेंस मिल्क है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर लो, अगर नहीं है तो आप इसमें चीनी के 2 से 3 चम्मच छोटे पीस कर डाल लें, या फिर साबुत भी डाल सकते हैं, वो तो घुल जाएगी। देखिए मेरे पास कंडेंस मिल्क है, मिल्क मेड है, यानी कि इसके मैं 2 चम्मच यूज़ कर लूँगी। ये लीजिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल चीनी का यूज़ कर लें। लीजिए इसको हमने घोल कर अब ढक कर रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आधे घंटे तक भी रख सकते हैं। उसे ढक कर रख देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर गाढ़ा लगेगा थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर इसके हम मालपुड़े रेडी करते हैं। तब तक मैं चाशनी देख लेती हूँ। अब इसकी हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है, और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब चीनी ली है। 200 ग्राम के करीब चीनी का मतलब है एक कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी है ये मेरे पास। और जिस कटोरी से मैंने चीनी नाप के ली है उसी कटोरी से हम नाप कर पानी डाल देंगे। इसमें एक कटोरी चीनी है तो एक कटोरी हम पानी डाल देते हैं। अब इसमें मैं 4 से 5 छोटे वाली इलायची तोड़ के डाल देती हूँ ताकि जो इसका फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और चीनी को हम मिलाते हुए घोलेंगे ताकि नीचे चीनी लगे ना। जब तक चीनी घुलती है तब तक हम इसे चलाएंगे। जब हमारी चाशनी पक रही है तब इसमें मैं 3 से 4 धागे केसर के डाल देती हूँ ताकि इसकी खुशबू है वो और भी अच्छी आ जाए। अब केसर को अब हम इसमें मिलाते हुए घोल देंगे, और इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाएगा। अब इसे बॉयल आने तक हम चलाते हैं। ये चीनी इसमें घुल गई है और केसर का कलर भी हल्का हल्का निकलना शुरू हो गया है, और इसकी जो खुशबू है मुझे बहुत अच्छी आ रही है। इलायची और केसर की खुशबू पूरे में फैल गई है। तो इसे अब हम स्लो गैस पे, मतलब मीडियम से स्लो गैस पे पका लेते हैं 3 से 4 मिनट। उसमें हमारी जो चाशनी है थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। एक से आधी तार, आधी से लेके मतलब एक तार तक हमने चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अगर ज़्यादा गाढ़ी होगी तो फिर जो चाशनी है वो इस पूरे मालपुड़े के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। अभी हम 3 से 4 मिनट इसे पकने देते हैं। तब अब देखिए चाशनी के वो उबलते हुए हो गए हैं 4 से 5 मिनट, और ये काफ़ी थिक हो गई है। अब मैंने इसको चेक कर लेना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद एक फिंगर पर लगा के देखेंगे तो इस तरह, ये देखिए काफ़ी चिपचिप हो गई है ये चाशनी। अब हम इसको गैस को बंद कर देते हैं, और तब तक हम मालपुए का जो बैटर हमने बना के रखा है उसे चेक करते हैं। बैटर को चेक कर लेते हैं। बैटर देखिए हमारा काफ़ी थिक हो गया है। जो हमने दूध डाला था वो काफ़ी सूजी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं इसके अंदर। 250 ml के करीब इसमें दूध हमारा टोटल लग गया है। देखिए ये हमारा बैटर अब रेडी हो गया है। ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसके मालपुए बनाना शुरू करते हैं।
अब मालपुड़े बनाने के लिए हमने देसी घी गरम किया है, इसमें हम बनाएंगे। और इसमें देसी घी में जो मालपुड़े बनते हैं बहुत टेस्टी हैं। ऑयल मैंने चेक करने के लिए थोड़ा सा बैटर डाला इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी ठंडा लग रहा है ऑयल। देखिए ये बैटर ऊपर आ गया है गर्म होने के बाद। अच्छा, तो अब हम ऑयल को चेक कर चुके हैं, ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम एक मालपुआ डालेंगे, एक कड़छी भर के हम डाल देते हैं और कड़छी की हेल्प से वहीं फैला देते हैं थोड़ा सा। ऑयल आपने कढ़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ओनली सरफेस को कवर करना है, नीचे नीचे बेस को कवर करके आप मालपुड़े बनाएं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डालोगे आप तो फिर मालपुड़े आपके फैल जाएंगे। इस तरह इसे पकने देते हैं अब एक साइड से। जब ये एक साइड से हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे पलटी करेंगे दूसरी साइड। अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, जैसे एक मिनट के करीब हो गया है इन्हें पकते हुए। अब हम इन्हें पलटी करेंगे। जो सूजी के मालपुड़े हैं वो थोड़े से मोटे बनते हैं, जो हमारे आटे के मालपुड़े होते हैं वो बिल्कुल पतले बनते हैं। सूजी क्योंकि काफ़ी एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर दूध वगैरह को, तो वो फूल जाती है। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया इसका। अब हम इसे पलटी कर देंगे। दोनों साइड से हमने हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इनको पकाना है और अच्छा सा क्रंच आ जाए। जब ये चाशनी में जाएंगे तो अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं। सूजी के मालपुड़े आटे के मालपुड़े से थोड़े से क्रंची रहते हैं, आटे वाले ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, ये थोड़े से क्रंची टाइप में रहते हैं। अब इनका कलर देखिए काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हम इन्हें ऑयल में से निकालेंगे। किसी टोंग की हेल्प से या किसी चिमटे की हेल्प से हम इन्हें ऑयल में से निचोड़ कर अच्छी तरह ऑयल को निकाल लेते हैं नैपकिन के ऊपर, और अच्छी तरह सारा ऑयल भी निचोड़ देते हैं ताकि चाशनी में ऑयल ना जाए ज़्यादा। नैपकिन के ऊपर निकालेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसके ऊपर लग जाएगा। इसी तरह हमने अपने 2-3 लॉट जितने भी बनाने हैं मालपुड़े के वो बना लेने हैं। अब इन्हें भी गोल्डन होने तक पका लेते हैं। अब सेकंड लॉट भी हम इसी तरह डाल देंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। अब लीजिए ये हमारे मालपुड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निचोड़ के अच्छी तरह ऑयल में से निकाल लेते हैं। अब लीजिए मालपुड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने इन्हें चाशनी में डिप करेंगे, तो एक एक को डालेंगे और इसे डिप कर देंगे। और इन्हें कम से कम 5 से 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट तक हम इन्हें डिप करके रखेंगे और बीच बीच में चाशनी ऊपर से पोर करेंगे ताकि ये अच्छी तरह चाशनी को एब्जॉर्ब कर लें। सूजी वैसे बहुत जल्दी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेती है। नीचे से जो ऊपर की तरफ चाशनी डालते हैं, अगर खुला बर्तन हो खुले बर्तन में आप डाल के चाशनी ऊपर से डाल सकते हैं। अब चाशनी में डाल के इन्हें 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अब 10 मिनट डिप करने के बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। अब निकाल कर प्लेट में इसे सर्व कर देते हैं। और बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर वाले ये मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आटे के मालपुए बनाकर दिखाऊंगी आपको। अब मालपुए मैंने सर्व कर दिए हैं, इसके ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डाल देते हैं गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हम इसका जो सिरप है, जो हमारे पास चाशनी है, वो भी थोड़ी सी ऊपर से डाल के इसे सर्व करेंगे।
तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी यम्मी मालपुआ बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम समय में ये बन गए हैं। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।